कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। सो दोस्तों, मैं आपके साथ आज एक ऐसे पाउडर के बारे में शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके पिगमेंटेशन, डी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्जिमा, पिंपल्स या एक्ने मार्क्स को एंड एक्ने को रिमूव करता है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को सनलाइट से दूर रखता है और आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाता है, यानी कि आपके चेहरे को और ज्यादा ग्लोइंग लुक क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आज मैं बात कर रही हूँ दिव्य कांति लेप के बारे में, और इस वीडियो को बनाने का रीजन है बिकॉज कुछ टाइम पहले एक व्यूअर ने बोला कि इसके बारे में जानकारी दीजिए फुल, कि ये किस तरीके से चेहरे पे काम करती है, क्या ये वाकई में झाइयों को और दाग धब्बों को दूर करती है, क्या ये वाकई में हमारे स्किन को ग्लोइंग लुक क्रिएट करने में हेल्प करती है। सो इसके बारे में हमें फुल डिटेल्स बताइए। सो मैं आज इसको इसकी प्रॉपर आपको डिटेल्स देने वाली हूँ कि ये किन किन चीजों के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किस तरीके से अप्लाई की जाती है, इसको वॉश आउट करने का क्या तरीका है, और ये किन किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे कैसे फेस पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो चलिए पूरी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इसे बनाने के लिए आपको लेना है एक क्लीन बोल एंड इसमें आपको 1 चम्मच दिव्य कांति लेप का ऐड करना है, और आप इसे रोज वाटर, एलोवेरा जेल या फिर हनी या फिर कच्चे दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलोवेरा जेल सेम क्वांटिटी एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, हमारा पेस्ट यहाँ पे रेडी है, चलिए इसे अप्लाई कर लेते हैं फेस पर। दोस्तों, इसे अप्लाई करने से पहले अपने चेहरे को कर लेना है अच्छे से क्लींस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी हम पिगमेंटेशन पैक लगाते हैं तो अपने चेहरे को पहले क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। सो मैंने यहाँ पे अच्छे से अपने चेहरे को क्लींस कर लिया है और जो भी मेकअप वगैरह था, पाउडर वगैरह, वो सारा कुछ यहाँ पे आउट हो गया है। सो अब बढ़ते हैं पैक की तरफ और इसे पूरे अपने फेस में अप्लाई कर लेते हैं। ब्रश ले लेंगे या फिर आप इसे स्पून से या फिर अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पूरे फेस में इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसे पूरा ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, सूखने देना है पूरा अच्छे से। एंड इसके बाद आपको सबसे पहले हल्के गुनगुने पानी से इसे वॉश करना है, एंड इसके बाद आपको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है ताकि आपकी ओपन पोर्स जो है वहां पे बंद हो जाए, खुले ना रह जाए। सो मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्ट वॉश करने के बाद। गाइज, मैंने यहाँ पे अपने फेस को वॉश कर लिया है और इसे अच्छे से ड्राई भी कर लिया है, तो आप देख सकते हैं फेस पे बिल्कुल स्मूथली हो गया है फेस, और कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल एकदम क्लीन एंड क्लियर फेस लग रहा है इसको अप्लाई करने के बाद। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको या तो आप एलोवेरा जेल ले लीजिए या फिर कोई भी मॉइस्चर या क्रीम ले लीजिए और उसे अप्लाई कर लीजिए अपने पूरे फेस पे। ताकि आपका फेस जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो और फेस का जो नेचुरल पीएच बैलेंस होता है वो बरकरार रहे। सो बस इस तरीके से आपको इसे अप्लाई कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका इसके बारे में कि आपको इसे किस टाइम अप्लाई करना है और कितनी बार अप्लाई करना है, ठीक है।
तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें आपको मेहंदी, आमा हल्दी, एलोवेरा जेल, हल्दी, भस्म, कपूर, श्वेत चंदन, कत्था, जायफल सब मिलेगा। यानी कि इसमें वही चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जो स्पेशली तौर पे पिगमेंटेशन यानी कि झाइयों के लिए, दाग धब्बों के लिए और आपके पिंपल्स, मुहासों के लिए, एक्ने के लिए काम करती है। ये पाउडर ही इस तरीके से रेडी किया गया है कि इन सभी चीज़ों को आपके फेस से दूर कर सके। एंड इसके अलावा आपके अनदर स्किन इश्यूज है, यानी कि अगर टैनिंग है या फिर कोई ग्लो नहीं है चेहरे पे, डलनेस है, डार्कनेस है, उसको भी ये पाउडर दूर करता है। आपको इसे केवल वन टाइम यूज करना है दिन भर में। सारे यहाँ पे आपको इंडिकेशंस आपको दिए हुए हैं कि इसको कैसे यूज करना है, किन किन चीजों के साथ यूज करना है, वो भी आप यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, और आपको क्या क्या चीजों से ये राहत दिलाएगा वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो मैंने इसे पतंजलि स्टोर से लिया है, 50 ग्राम का है ये, 70 रुपीज में मुझे पड़ा ये। तो आपको ये पतंजलि स्टोर पे ही मिलेगा, अनदर कहीं पे नहीं मिलेगा, या फिर आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बट मैंने इसे पतंजलि स्टोर से लिया है, ऑनलाइन इसे नहीं मंगाया है। ऑनलाइन जल्दी ये मिलता नहीं है, बट आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको मिल जाता है तो अच्छा है, अदरवाइज आप पतंजलि स्टोर आपके नियर कहीं पे भी होगा तो वहां पे मिल जाएगा। दोस्तों इसे आपको कंटिन्यूअस 10 दिन अप्लाई करना है और दिन में सिर्फ एक बार ही अप्लाई करना है, उससे ज्यादा इसे अप्लाई नहीं करना है। एक दिन में सिर्फ एक बार आपको इसे अप्लाई करना है। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ज्यादा से लाइक एंड शेयर कीजिए। जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि ये हमारी स्किन को कोई साइड इफेक्ट पहुंचाएगी, वो भी इसका इस्तेमाल करें। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं देती है, ऑल स्किन टाइप्स है, लेकिन इस्तेमाल करने के पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें, बिकॉज सबकी स्किन अलग तरह की होती है एंड वेदर चेंज होने की वजह से स्किन अलग टोन हो जाती है। तो जरूर नहीं है कि आपकी स्किन को ये सूट करे ही। तो इस्तेमाल करने के पहले आप इसे पैच टेस्ट करेंगे, ऐसी जगह पे जहां आपकी स्किन सेंसिटिव हो वहां पे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी स्किन को सूट करेगी या नहीं करेगी, उसके बाद इसे अप्लाई कीजिए। गाइस चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू हेल्दी ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।